बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भैया 2 करोड़ जीत गए हैं। क्या आप इस पैसे को 2 करोड़ को अपने बैंक में विड्रॉल कर लिया है? 2 करोड़ भैया जीत चुके हैं ड्रीम 11 से 2 करोड़। तो आइएगा, उनसे हम बातचीत पूरी करवाते हैं और कैसे जीते हैं और उसके बाद क्या खुशी है उनके अंदर। तो सबसे भैया आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपने 2 करोड़ जीता हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहना है, कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमको बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं इसमें 2 करोड़ जीतने के बाद? आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मैच कब से मतलब खेलना स्टार्ट किए थे? आपको कब से लगा कि मतलब हम 2 करोड़ जीत सकते हैं? हम खेल रहे हैं 2020 से। तो आप जो मैच लगाए थे किस किस देश से था, किस किस कंट्री से था? इंडिया और न्यूजीलैंड। किस डेट में था ये मैच? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर ड्रीम 11 पर लगाए थे। और ये क्या बोलते हैं, किसको कैप्टन, वाइस कैप्टन किसको बनाया था? कैप्टन था डेविड मिचेल न्यूजीलैंड का, और इंडिया का था वाइस कैप्टन मोहम्मद शमी। आपको कुछ लगा कि ये मोहम्मद शमी को लगा के कुछ मतलब कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा उसमें मोहम्मद शमी? जैसे 2 मैच हम इसको नहीं खिलाए थे, ये हार्दिक पांड्या जो इंडिया हुआ उसमें, तो उसके बाद उसको बॉलर भी चाहिए था इंडिया को, वो थोड़ा हल्का हल्का बैटिंग भी कर लेते हैं, इसी वजह से उसमें देखे इन दोनों को, डेविड मिचेल को और मोहम्मद शमी को लोग कम परसेंट में बनाए थे, 2% में। हम भी देखो उसमें, हम उसको बना दिए। अच्छा, जब आप मैच जीते तो आप मैच देख रहे थे कि मतलब मैच ऐसे छोड़ दिए थे कि चलो बाद में देख लेंगे, कैसे क्या? नहीं, मैच तो हम वीडियो देख रहे थे। हाँ, तो उसमें आप एप्स भी देख रहे थे जो ड्रीम इलेवन के? मैं नहीं देख रहा था। तो कैसे पता चला आपको कि हम जीत गए, मेरा फर्स्ट रैंक आ गया? वो मेरे जो लोग लगाते हैं मेरे बगल में थे, वो लोग अपने स्कोर भी देख रहे थे, उसमें पता चल लग गया, वो लोग बताए हमको। अच्छा, आप अपना स्कोर नहीं देख पाए, दूसरे लोग आपको बताए? हाँ, जैसे उसमें देख भी रहे थे, जैसे मोबाइल रख के वीडियो हम लोग सब लोग देख रहे थे, और कोई बंदा अपना उसको भी देख रहा था कौन कहाँ कहाँ पर है, कितने नंबर पर। आपके दोस्त लोग बताए, तो वो उस समय आपको खुशी मतलब कैसा लगा? खुशी तो बहुत लगा था। तो ये इनकी छोटी सी फैमिली है, खुशहाल फैमिली है, इनका मकान है, आप लोग देख सकते हैं पूरा मकान है, और ये छोटी सी बहन है। आप दीदी कुछ कहना चाहेंगी इसमें? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भैया 2 करोड़ जीत गए हैं। तो चलिए कुछ अंदर का दिखाते हैं। बहुत ही बेचारे गरीब थे और उनको कुछ पैसा मिला है, तो ये अपना घर मकान बनवाएंगे, और ये माता जी यहाँ पे खड़ी हैं, जो माता जी इनको अपने हाथों से बना के खिलाती हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम है, ये इनका किचन है प्यारा सा छोटा सा, और इधर इधर भैया जी लोग सोते हैं, एक ही कमरा शायद इनका है, और ये भी टीन का पूरा है। तो ऐसी आशीर्वाद इन लोगों को बनाए रही है कि और भी जब मैच ये लोग लगाएं तो और भी क्या नाम है 2 करोड़ के बदले 4 करोड़ ये लोग जीते। तो आप लोग ऐसे दर्शकों को प्यार दुलार बनाए रही है। ये भीम जी का मकान है, वो पूरा टीन करकट का बना हुआ है। एक ही मकान में इनकी पूरी फैमिली रहती है, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे 5 बच्चे हैं और 1 लड़की, और ये इनके घर के सामने का नजारा है, और उनके घर के सामने एक मशीन है जिसमें मतलब आपको लग रहा था कि मतलब हम जीत जाएंगे 2 करोड़ या 4 करोड़ जो भी हो? ये तो नहीं लग रहा था, ये खेलते चले गए थे, अपने देखी देखा सबको, मतलब आप अपना लक आजमा रहे थे, हो सकता है किसी का निकली जाए। हाँ, वो तो कोई भी सोचता है कि किसी का किसी को निकलेगा भी, उसी देख के हम भी लगा रहे थे, किस्मत साथ दे दिया मेरा भी। अच्छा, हम बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, हमारे साथ के बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि कुछ क्या नाम है, ड्रीम इलेवन जो है वो अपना खुद का ऐसे टीम बैठाई रहती है, और वो अपने टीम के लोगों को दे देती है पैसा, इस पर आपका क्या विचार है? ऐसा ना, जो अच्छा पॉइंट पाएगा वही जीतेगा, वो तो गलत बात है कि कंपनी अपनी टीम को बैठाती रहती है, वो तो कोई भी खेल सकता है, कोई भी खेल रहा है उसमें, छोटे से या बड़े तक। और अच्छा, आप अपना पूरा पता बता दीजिए। ग्राम बर्मा कला है, और चलवा थाना नौतनवा जिला महाराजगंज। तो जिला महाराजगंज से भैया हैं, भीम जी हैं। तो मतलब कितना इसमें आप इन्वेस्ट किए थे, क्या कुछ कैसे बताएंगे? इन्वेस्ट तो बहुत किए थे, लगभग जब से 4 साल से खेल रहे, लगभग 50,000 लगभग गंवा चुके भी थे। 50,000? और आपको लग रहा था कि मतलब एक ना दिन हमको सफलता जरूर मिलेगी? वो हमको मुश्किल नहीं था उसमें, दोस्तों लोग बोला कि अपना लगाते हो सकता है निकल भी जाए, उन्हें देखी देखो लोग भी लगाते थे, हम भी लगाते थे उसमें। आप करते क्या हैं, इसके पहले करते क्या थे आप? सिलाई का काम करते थे। कहाँ पे? लुधियाना। कितने साल से आप सिलाई का काम कर रहे थे? 14 सालों से। अच्छा, आप वहाँ पे कितनी सैलरी पाते थे, मंथली बेस पे था कि आपको कोई टारगेट दिया जाता था जहाँ पे आप काम करते? हम लोग काम करते हैं पीस रेट पे काम करते थे, कितना पीस बनाना है उस हिसाब को पैसा मिलता है। हाँ, तो आप वहाँ पे मतलब जब आपको पता चला कि हम 2 करोड़ जीत चुके हैं, तो आप तुरंत वापस चले आए कि मतलब कुछ दिन अपना पेमेंट वेमेंट लेके वहाँ? नहीं, 2-3 दिन बाद आए थे। पर आपके दोस्त लोग मतलब क्या कुछ कह रहे थे, कैसा है कुछ? उतना कुछ नहीं कह रहे थे, अब वही है कि और लोग ज़्यादा टीम बनाने लगे उसमें, बोले कि इतना मत बनाइए। अच्छा, आप कितना टीम बनाते थे एक बार जो मैच स्टार्ट होता था उसमें, आप कितना टीम बनाते थे? खाली इंडिया का जब मैच आता था तो उसमें 2 से 3 बनाता था, बाकी टीम पर एक मैच। इंडिया से होता था 3-4 टीम बनाते थे? 4 नहीं, 2 हो जाता या 3 हो, उससे ज़्यादा होता ही नहीं था। अच्छा, कितने तक का बनाते थे, मतलब कितने तक का मैच लगाते थे आप?
वो 49 रुपये तक का। 49 रुपये तक का, इसी ऊपर कभी नहीं लगाया नहीं। एक ऐसे 3 मैच बनाते 150 ऐसे चला गया उसमें। वही कहने का मतलब 49 रुपये वाला 3 मैच लगाते थे। हाँ तो अब आपका क्या विचार है, मतलब फिर कमाने जाना है कि यहीं पर कुछ धंधा पानी बिजनेस करना है? अब कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि बाहर जाना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप धंधा करेंगे कोई बिजनेस जो आपको अच्छा लगे। परिवार को क्या उससे सीख देना चाहते हैं, और जो दर्शक देख रहे हैं उससे आप मतलब क्या सीख देना चाहेंगे कि आप ड्रीम एलेवन कैसे लगाएं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? उसमें तो कुछ नहीं कह सकते उतना हम, अब उन लोग जो लगाएंगे उनकी मर्जी होगी। लक भाई है, निकल गया नहीं तो निकल गया, नहीं तो अपना लगाते रहे वो लोग। इतना ना लगाए कि 8-9-10 टीम बना के लगाते रहे पैसा, जो उतना 500 रुपये की दिहाड़ी पड़ रहा है तो उसमें सारा उसी इन्वेस्ट कर दें। तो चलिए भीम जी से बात हो चुकी है, अब माता जी से बात करें। तो कुछ माता जी को प्रणाम आपको। अच्छा आपके बेटे जो हैं भीम जी हैं, क्या नाम है वो, 2 करोड़ जीत चुके हैं, आप कैसा महसूस कर? हमें खुश बाटी हम, बहुत खुशी हैं। आप अब तो उनको हो सकता है कमाना न जाना पड़े, यहीं पे अपना कोई धंधा पानी करेंगे। अब धंधा खोल लिए तो करबे करिए, अब बैठे गुजारा हो ही नहीं, अपन कई नहीं है तब पैसा कौड़ी देख नहीं, अपन जो धंधा कई नहीं तथा आई हैं। अरे कितने बच्चे हैं आपके टोटल? हमारे 5 बेटा बाटा 1 बेटी का। उनकी शादी हो गई है? हाँ बेटी खो गई, 2 लड़का भाई, 3 लड़का शादी करे थे। सब पढ़ते होंगे सभी लोग? नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, सभी लोग मतलब धंधे पानी में लगे हुए हैं। जनता वाटा गरीब मनाई वाटी मजदूरी धतरी सब करा तक खाता। और हम आइए मुलाकात करते हैं भीम जी के छोटे भाई से। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके बड़े भाई साहब जो ड्रीम इलेवन में जीत चुके हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब उतना पैसा आया तो कुछ काम जैसे खेती बाड़ी खरीद लें और पैसा घर बनवा लें और पैसे से कोई बिजनेस कर लें ताकि बाहर ना जाना पड़े। और आप मतलब आप भी कुछ बिजनेस करना चाहेंगे? हम लोग का बिजनेस जब करेंगे तो आगे मिलेगा, इस आदमी करेंगे। तो आप भी मैच उच लगाते हैं ड्रीम इलेवन पे कि नहीं? नहीं मैं नहीं लगाता हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता कैसे लगता है कैसे नहीं, तो मैं नहीं लगाता हूँ। एक भी बार नहीं मैच लगाए आप? ऐप लोड किया था तो किसी और से एक आध टीम बनवा देता था, किसी और से बोलता था लगा दो मेरा एक मैच चाहिए, मुझे नहीं पता रहता कैसे लगता है। चलिए बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आइए मिलते हैं भीम जी के छोटे भाई से, क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? ब्रजेश। आप क्या करते हैं? पावर लूम चलाते हैं। कहाँ पे? भीमंडी। भीमंडी, ये कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई। अच्छा आप भीम जी, आपके बड़े भाई हैं, 2 करोड़ रुपए जीते हैं, इससे आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, इतना खुशी है कि किससे बताएं कि कितना खुश हैं हम। अच्छा आप क्या करेंगे इन पैसों का, 2 करोड़ का? भैया के साथ मिलेगा तो बहुत कुछ कर देंगे, अगर जो दिमाग जो हिसाब से कितने आदमी क्या किस हिसाब से दिमाग देते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, उसमें कोई फोड़ने वाला भी रहता है और कोई बनाने वाला भी रहता है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। और जो अच्छे संस्कार वाले दिमाग लेके चलेंगे आगे तक इनका भविष्य बन जाएगा, अगर जो गलत दिमाग लेके चलेंगे तो वो पैसे का कोई मतलब नहीं हो पाएगा। सही बात। तो आप कहना चाहते हैं कोई बिजनेस कर सकते हैं इसके बारे में, फिर कमाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे आप? हम तो जाएंगे, अब भाई के ऊपर क्या है, बिजनेस करके संभालेंगे करेंगे घर कमाएंगे कि वही कुछ बना के जाएंगे, फिर ये नहीं है कि हमेशा के लिए परदेश छोड़ देंगे। अच्छा आप ड्रीम इलेवन लगाते थे कि नहीं? मैं कभी नहीं लगाया हूँ। अच्छा आपको कैसे पता चला कि हमारे भाई साहब ने 2 करोड़ रुपये जीत चुका है? मुझको ये भी नहीं खेलने थे, जब घर पर पता चला फ़ोन किया माता जी से, उनको मालूम हुआ घर से मालूम हुआ ऐसा हुआ, उस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे हुआ वैसे सही सलामत सब घर ही आ जाए, घर पहुँचने के बाद जो करना होगा वो अपना करेंगे, ये सोच रहे उतने पैसे में या तो घर बनवा लें अपने नाम पे या तो खुद से मतलब भाई लोग रहने के लिए कर लें, और जो पैसा बचता है अपना खुद का कुछ कर लें, बिजनेस कर लें, उनका भी जिंदगी पर सबर जाएगा और साथ रहेंगे हम लोग भी, उसमें कुछ करेंगे मेहनत करेंगे, ये नहीं एक बार पूरा काम हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। और जैसे अच्छा ये आपने बात बोली बहुत अच्छी बात बोली है कि इसमें 2 लोग होते हैं, एक फूट करने वाले भी होते हैं और एक जूट करने वाले भी होते हैं, तो फूट करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं? फूट करने वाले बहुत मिलेंगे और सही रास्ता दिखाने वाला बहुत कम मिलेंगे, तो आइए कुछ और जानते हैं। क्या आप इस पैसे को 2 करोड़ को आपने बैंक में विड्रॉल कर लिया है? हाँ कर लिए हैं। तो कुछ टैक्स उस भी कटा होगा कि नहीं कटा होगा? कटा है। कितना टैक्स कटा है? 1 करोड़ में 30% कटा है, 60 लाख रुपये गए हैं। अच्छा मैं 60 लाख टोटल आपके अकाउंट में आया है? नहीं कट गया है। अच्छा 60 लाख टैक्स कट गया है और बाकी जो आपके अकाउंट में चला आया है? चलिए अच्छी बात है, माता रानी आप ऐसे कृपा बनाए रहें और आप भी और 2 करोड़ के बाद 4 करोड़ खेलें।